झारखंड सरकार की पहल पर 14 से 18 सितंबर तक एक दिवसीय कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में अनगढ़ा गोंदली पोखर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में विभिन्न बीमारियों के इलाज के लिए कैंप लगाया गया। प्रखंड के विभिन्न गांव के लोग अपनी बीमारी का इलाज कराने स्वास्थ्य केंद्र पहुँच रहे हैं। आज जो अनगढ़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ये जो कैंप लगाया गया है झारखंड सरकार के द्वारा 14 से 18 तारीख तक, इनका मेन उद्देश्य क्या है मैडम? इनका मेन उद्देश्य है क्योंकि इनका पहले हम लोग प्रचार प्रसार भी कर दिए थे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आके यहाँ पे विभिन्न तरह के स्टॉल हम लोग लगाए थे, जैसे कि कम्युनिकेबल डिजीज़, नॉन कम्युनिकेबल, जैसे कम्युनिकेबल में हो गया TB, कुष्ठ रोग, ये सब का, तो यहाँ पर लोग आके उसकी जानकारी लिए और जांच भी हुआ उनका। जो भी उनको कोई दिक्कत है, या तो चमड़े में दाग है उस तरह का कोई आ रहा है, या किनको खांसी है, तो वो भी आकर यहाँ पर अपना इलाज करा रहे थे। इसके अलावा यहाँ पे टीकाकरण अगर किसी को छूटा है या कुछ जानकारी लेना चाहते हैं उनका भी स्टॉल लगाया है, साथ ही परिवार नियोजन का भी स्टॉल लगाया है जिसमें कि वो आकर अपना कुछ उनको दिक्कत है या उसके बारे में कुछ जानकारी लेना चाहते हैं या कौन सा विधि अपनाना चाहते हैं उसके बारे में जानकारी दी गई। जनरल डॉक्टर, सामान्य डॉक्टर भी बैठाए थे कि जिनको कोई और दिक्कत है, बुखार है, सर्दी है, खांसी है, तो वो वहाँ जाके दिखा रहे थे और उनके दवाई का भी एक केंद्र था जहाँ पे उनका दवाई का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा अभी था। इस वक्त जो कैंप लगा हुआ है उसमें कौन कौन सी बीमारी का कैंप लगा हुआ है? ये इसमें अभी हम लोग जो जनरल बीमारी जैसे कि अभी सर्दी खांसी वाला हो गया, एक स्टॉल लगा है TB वाला, एक स्टॉल लगा है मलेरिया का, एक स्टॉल लगा है फलेरिया का, तो उससे रिलेटेड जितना भी बीमारी है, एक लगा है NCD स्टॉल लगा है जिसमें कि BP शुगर उसका जांच हो रहा है और यहाँ पे दवाई भी उपलब्ध है, तो वहाँ लोग जांच करा के अंदर जाके डॉक्टर से दिखा के दवाई भी उनको मिल रहा है, साथ ही परिवार नियोजन, और हम लोग योगा भी लगाए हैं, योगा का भी एक स्टॉल लगा हुआ था जहाँ पे लॉट लॉट में हम भेज के लोग जाके वहाँ जानकारी भी ले रहे थे और योगा भी किए। ये कैंप कितने दिनों के लिए? ये एक दिवसीय कैंप है आज, और यहाँ पे चूँकि सहिया लोग पहले से ही जानकारी था तो उनको फील्ड में बता दिया गया है कि मतलब लेके आना था यहाँ पे, और अगर दूसरा कभी होता है या कुछ जानकारी, सारी जानकारी आज एक दिन में ही दी गई है। कितने लोग लगभग आए होंगे इस कैंप लगा होगा तो? उस समय तो करीब करीब मतलब आधे पहरे तक में 350 लोग हो गए थे। अच्छा।